हमारी YouTube फैमिली, आज हम फॉमी के फ्लावर बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाएंगे, जो आप आसानी से और कम खर्चे में अपने घर में बना सकते हैं। इन फ्लावर्स के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसके लिए आप अपनी पसंद की फॉमिक्स शीट ले सकती हैं, जो कलर आपको पसंद हो आप ले लें। इसके लिए हमें UHU चाहिए होगा, सीज़र चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक स्केल चाहिए होगा। आप अपनी पसंद से कोई सी भी शीट ले सकते हैं, कोई सी भी कलर की शीट ले सकते हैं। हमने ऑरेंज कलर की शीट ली है, जिसे हमने एक स्ट्रिप को लिया है 1.5 इंच और एक स्ट्रिप को लिया हमने 1 इंच और इसकी लेंथ ली है हमने, लंबाई ली है 10 इंच। आप दो स्ट्रिप इस तरह से काट लीजिए। 1.5 इंच वाली स्ट्रिप को लेकर उसको स्क्वायर में या जो भी आप जितनी भी उसकी लेंथ और चौड़ाई रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर आप पेटल्स की शेप में ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको लेकर कटिंग करेंगे। जो चीज़ हमने ड्रॉ की थी उसकी लाइन पर हम आहिस्ता आहिस्ता कटिंग कर देंगे ताकि हमें पेटल्स की शक्ल नज़र आ जाए। इसकी कटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से इसकी शेप्स बन जाएगी। इसी तरह हमने 1 इंच वाली स्ट्रिप को भी काट लेना है ड्रॉ करके। कटिंग के वक्त अभी आपने कटिंग कर ली थी, अगर आपको थोड़ी सी फिनिशिंग चाहिए तो इसको आप गोलाई में इस तरह से फिनिशिंग दे सकती हैं अपने पेटल्स को। ये हमने पेटल्स कटिंग की है, ये हमारी बड़ी पेटल्स हैं जो इस तरह से शेप में कटिंग होके आई हैं और ये हमारी छोटी पेटल्स हैं। इस तरह आप तमाम पेटल्स को तैयार कर लें। UHU से फूल बनाएंगे अपने पेटल्स पे लगा के। UHU को फूल बनाना शुरू करते हैं। एक पेटल्स पे हमने UHU लगाई है, नीचे कॉर्नर पे लगानी है। फ्लावर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। हमने छोटी पेटल्स को लिया है और उसके नीचे UHU लगाई है इस तरह से। 2-3 पेटल्स में इस तरह से हम UHU लगा लेंगे, फिर हम इसके फ्लावर्स बनाना आपको सिखाएंगे। ये हमने इस पेटल्स को लिया है जिसमें हमने UHU लगाई थी, इसको थंब और फिंगर की मदद से ऐसे राउंड करेंगे बहुत आराम से। अब दूसरी पेटल को इसके साथ रख के इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने करना है। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनेंगे आप लोगों के। अब हमने ये तीसरी पेटल्स लगाई हैं, ये सब अभी इस छोटी पेटल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तमाम छोटी पेटल्स इसी तरह लगाते रहेंगे 1 by 1। ये हमने छोटे पेटल्स से इस तरह से फ्लावर को बनाना है। देखें अब हमारे पास बड़े पेटल्स रह गए हैं, उसको जब हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आपको जब ये फ्लावर्स तैयार हो जाए तो आप इसको फ्लावर्स को अपने गिलास पे, अपने कप्स पे या अपनी टेबल्स पे या हेयर रिंग जो होते हैं बच्चों के लिए, जो आप रिंग तैयार करते हैं क्राउन के शेप में, उन पे भी लगा सकते हैं और इसको चाहें और खूबसूरत बनाने के लिए आप
ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उससे और चमक और खूबसूरती पैदा हो जाए। देखिए ये हमारा पेटल्स तैयार हो गए, पेटल्स से हमने फ्लावर्स तैयार किया। अब हमारे पास बड़े पेटल्स रह गएंगे, हम उनको भी इसी तरह यूएचयू की मदद से लगाएंगे। हमने एक बड़े पेटल्स पे यूएचयू नीचे की तरफ लगाई है, अब हम दूसरे वाले पे लगा रहे हैं। इसी तरह से हम तमाम पेटल्स पे यूएचयू लगा देंगे। अब हमने ये बड़े पेटल्स को इसी तरह छोटे पेटल्स के पीछे लगाना है। जिस तरह से हमने छोटे लगाए थे इसी तरह हम इन बड़े पेटल्स को भी लगाएंगे और ये हमारा फ्लावर बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। ये देखिए हमारा फ्लावर्स कंप्लीट हो गया। ये आखिरी पेटल है जो हम इस फ्लावर में लगा रहे हैं। इस फ्लावर में हमने ये पेटल लगा दी है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, अपने फ्लावर्स को फैलाने के लिए थोड़ा सा इसको टर्न कर सकते हैं पेटल्स को, ताकि थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाए। ये हमने अपना फ्लावर्स कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमने इसी तरह ये तमाम फ्लावर्स बना के एक बंच बनाया है। इसके साइडों में हमने 2 लीव्स लगाए हैं। अब आपको ये लीव्स अगर सीखना है तो आपको हमारा चैनल देखते रहना होगा। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये लीव्स किस तरह से बनाए थे और किस तरह से लगाए थे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा।